झांसी के गरौठा तहसील प्रांगण में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आनंद्रा बामसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और इसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि आयोजन के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र दिए, जिसका जल्द निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया। क्या नाम आपका? कविता शर्मा है। किस गांव से आई हैं? सीला, ग्राम सीला से, तहसील गरौठा। आज जो आप लोग यहां पे आए हैं जिलाधिकारी के पास में, क्या समस्या है आप लोगों? सर, हमारी गौशाला नहीं है हमारे यहां, तो हम लोग बहुत परेशान हैं सर। और हम कहीं वीडियो सर के पास गए, कहीं विधायक के पास गए, सभी लोग जो बोलते हैं उनसे लिखवा के लाओ, उनसे लिखवा के लाओ। सर, हम बहुत परेशान हैं सर। हमारे जो मतलब हस्बैंड लोग हैं, वो रात दिन सर मेहनत करके कैसे सर हम लोग खेती कर पा रहे हैं, और खेती के अलावा सर रात दिन जग रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब किसानों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, पानी नहीं है, तो हम लोग कैसे मेहनत करके कैसे फसल उगा रहे हैं। और सर, अगर अन्न जानवरों की वजह से हम लोग इतने परेशान हैं सर, रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। इसकी वजह से सर घर में सर, हम समूह में काम करते हैं, तो समूह में भी सर परेशानी होती है। थोड़ी देर के लिए अगर वो लोग खाना खाने के लिए घर भी आ गए, उतने में सर कम से कम एक दो बीघा तो निपट जाता है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। गौशाला है, जो बड़ी गौशाला है, आप वहाँ पे क्यों सर, हम क्यों भेजे सर? हम जब नहीं, हम लोग नहीं सर, हमारे यहाँ जगह है ना, जगह है तो हमारे यहाँ बनवाई जाए। कितनी बार आप लोग प्रार्थना दे चुके हैं सर? हम कम से कम 4-5 बार दे चुके हैं। क्या कहते हैं ग्राम सर? वो कह देते हैं उनसे लिखवा के लाओ, बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सर, जब हम लोगों का जनाजा निकल जाएगा, जब बन जाएगी क्या? हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। प्रधान कुछ नहीं कह रहा है सर। प्रधान तो 5 साल से था, उसने कुछ नहीं किया सर। हमारे गाँव में कुछ किया ही, हमारे गाँव में कुछ नहीं है सर। 20 साल से तो हमारे यहाँ हरी आज लगभग 150 के आसपास हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेंशन धारक का जो भी है कुछ संख्या में आई है, वो वही है, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो धनराशि आना अवशेष है उसके संबंध में वो लोग आए थे। यही आश्वासन देना चाहते हैं हम लोग कि पेंशन की धनराशि इस साल मिलने की तैयारियां हो चुकी हैं और जल्दी से जल्दी मिलने की संभावना। दूसरा, यहाँ के विद्युत चोरी को देखते हुए और विद्युत को देखते हुए शिकायतें भी आई हैं, और मुख्य रूप से पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो लाभ नहीं पहुंच पाया था, उन सारे किसानों का भी शिकायत आई है। साथ में 10-15 राशन से संबंधित भी शिकायतें आई हैं, जो जिसको हम लोग गाँव के हिसाब से निस्तारण करना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ आवास और शौचालय की लाभार्थी के संबंध में पुनः सत्यापन के लिए भी कुछ शिकायतें हैं। साथ में जो हमारे तहसील से जुड़े हुए जो पत्थरगड्ढी की समस्या है या तमीन की समस्या है, वो तो है। इसको जो सबसे अधिक लेखपाल, सबसे अधिक शिकायत जिस गांव के आए हैं, उस लेखपाल के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई की है? अभी शॉर्ट आउट कर रहे हैं हम, आपको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर, गरवाठा तहसील के अंतर्गत बामर ब्लॉक अंतर्गत 3 दिन से किसान आमराण अनशन पर बैठे हैं, बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, उस संबंध में आप? इस संबंध में सभी किसानों को एक आश्वासन देना है कि बीमा के संबंध में 2019-20 की प्रकरण थी ये, और उसमें सारी जो डेटा की सत्यापन जो होना है वो हो गया था, और लगभग 16,000 किसानों को तो लाभ मिलने की तैयारियां हो चुकी हैं। 21 करोड़ के आसपास लाभ दिलाने के लिए सरकार भी अपना जो भी है शासन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। तो अनुरोध ये है कि उस संबंध में जो काम होना है वो तो हमने पूरी कर लिया और जल्दी लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।